वेलकम बैक क्वेश्चन नंबर वन टू थर्टीन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर फाइव हमने कंप्लीट कर लिए थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ये जो ट्रिपलेट ऑफ क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में तीनों ही क्वेश्चन कंटिन्यूस पूछे गए हैं अल्टरनेट ईयर्स में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया फोर्टीन कभी फिफ्टीन कभी सिक्सटीन तो ये तीनों ही क्वेश्चन मैं कंटिन्यू में डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फोर्टीन देख लीजिए फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तीन क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे ये एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहाँ पे आपका नॉलेज टेस्टिंग होती है कि जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेटर होता है एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन वन तो हमें शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसीलिए नंबर फोर्टीन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड कंडीशन ऑफ फॉर एक्स इज एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन एंड लेस देन वन दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस वन टू प्लस वन सो देन वी हैव टू शो दैट डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर स्टार्ट द क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं सो यू कैन री राइट द इक्वेशन इज एक्स Under root 1 plus y is equal to minus times of this. Squaring both side, x square under root removed, y square under root removed. That is under root ka whole square. That is 1 plus x. Now next one is we have to simplify this one, and the simplification is x square, x square into y, is equal to y square, y square into x. After that, we have to collect all the terms having same power x square y square that means same order terms to be collected one side x square minus y square and next one is y square x minus x square y this is the total order is 3 so that's why you collected in rhs and lhs and then using the formula of x square minus y square that is x plus y x minus y that is a square plus b a square minus b square that is equal to a plus b a minus b and then take the common in right hand side x y is common we have y minus x after simplification we have x plus y x minus y minus transfer the right hand side terms and left hand side we have x y y minus x then if we take the common x minus y then we have x plus y left okay y minus x is here if you take the common x minus y that means sign get reverse and that is plus that is x minus y into x plus y x y plus sign okay sign will be change minus change into plus this is equal to zero now we have two factor either this is zero or this is zero.

अब हमारा दूसरा फैक्टर है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इफ यू टेक कॉमन x y इज कॉमन दैट मीन्स अगर यहाँ से आपने y कॉमन कर लिया है दैट मीन्स दिस इज वन प्लस एक्स और शिफ्ट किया है x को राइट हैंड साइड में अपोजिट साइड में तो फाइनली y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आई होप ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा ओके नेक्स्ट वन इज टेक द डेरिवेटिव डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू

वन प्लस एक्स का वन का डेरीवेटिव जीरो एक्स का आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स है दिस टू इज कैंसिल आउट एंड फाइनली वी हैव माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओके क्योंकि इसको करने का स्टार्टिंग डिफरेंट है पहले वी हैव टू टेक द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन सो दिस बेट अ डिफरेंट क्वेश्चन थ्री फोर टाइप टाइम रिपीट क्वेश्चन इन फोर मार्क्स ओके तो गुड क्वेश्चन आप एक दो बार आप करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी अदरवाइज स्टार्टिंग में अगर आपने प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम होगी ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट करें दिस इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन उसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है दिस इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अभी आप बताओ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल ये सर्कल का इक्वेशन है कैसा सर्कल है जिसका सेंटर ए और बी है सेंटर के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी है और रेडियस कितना है सी स्क्वायर दैट मीन्स सी इज द रेडियस तो सी रेडियस है और सेंटर क्या है सेंटर के द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज ए कॉमा बी ओके क्वेश्चन इज एक्स माइनस ए होली स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होली स्क्वायर इज इकोल टू सी स्क्वायर वेर सी इज अ पॉजिटिव नंबर देन वी हैव टू शो दैट वन प्लस

डिफरेंट होगी जिसमें ए और बी नहीं होंगे इंडिपेंडेंट होगी ए और बी से तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हम वाई डैस निकालेंगे फिर वाई डबल डैस निकालेंगे फिर ये कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आंसर आता है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को ही हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ले लिया है दिस इज इक्वेशन से दिस इसको एक नेम देना है दैट मीन्स आई से दिस इज द स्टार इक्वेशन ओके सो डिफ्रेंसिएटिंग द इक्वेशन स्टार जो स्टार्टिंग का इक्वेशन है ये स्टार वाला इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये दिस इज जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स माइनस वाई प्लस इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे दिस इज वाई माइनस बी एंड इन द प्लेस ऑफ एक्स वी हैव वाई माइनस बी देन अगेन द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई देन वाई डैस अस्सी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट सो दिस इज तो फाइनली हमारे पास ये आ गया देख लिया टू एक्स माइनस वाई प्लस टू एक्स वाई माइनस बी वाई डैस इज इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि सी स्क्वायर था उसका डेरिवेटिव कॉन्सटेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो अब वाई डैस की वैल्यू आपने सिंप्लीफाई कर ली है टू से टू कैं टू को कॉमन करके कैंसिल कर दो या जैसा भी कर दो यहाँ पे भी टू कर दो तो टू कैंसिल हो ही जाएगा तो फाइनली हमारे पास ये है वाई डैस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी इसको बोल दो आप डबल स्टार और इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में तो वाई की वैल्यू आ चुकी है सेकेंड डेरीवेटिव इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फर्स्ट डेरीवेटिव अगेन तो इसी का फिर से हमें डेरीवेटिव लेना है तो हमारे पास डिवीजन रूल है y माइनस बी का होल स्क्वायर देखना u बाई बी का फार्मूला है तो y माइनस बी का होल स्क्वायर y माइनस बी एक्स का डेरीवेटिव a का डेरीवेटिव जीरो माइनस वन माइनस वन हो गया माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस बी में बी का डेरिवेटिव जीरो और वाई का डेरिवेटिव वाई डैस और वाई डैस की वैल्यू अभी हमने डबल स्टार इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर देनी है वाई डैस की वैल्यू जो जो वैल्यू आती रहे सिंपलीफाई करते जाओ वाई डैस की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया माइनस माइनस ये प्लस भी हो गया इस वाले इक्वेशन में देखना माइनस यहाँ कॉमन कर लिया वाई माइनस बी ये माइनस दिस माइनस दिस माइनस मेक इट प्लस प्लस एक्स माइनस ए वाई डैस के प्लेस पे वैल्यू पुट किए माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी ये वैल्यू वाई डैस जिसको हमने क्वेश्चन डबल स्टार बोला था वहाँ से पुट कर दी दिस इज वाई माइनस बी होल स्क्वायर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर और एक्स माइनस ए होल स्क्वायर ओके माइनस हमने कॉमन कर लिया यहाँ भी एक माइनस था यहाँ भी माइनस था तो माइनस कॉमन कर लिया अब ये स्टार्टिंग का जो इक्वेशन था एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर ये सेम वही इक्वेशन है और इसकी वैल्यू कितनी थी सी स्क्वायर तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी होल क्यूब ये वैल्यू किसकी आ गई वाई डबल डैश की तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है वाई डैश की वैल्यू हमने निकाला है अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन करनी है उसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं ओके एंड दैट इज वी हैव टू पुट वन प्लस वाई डैस होल्ड द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वाई डबल डैस वन प्लस वाई डैस वाई डैस का होल स्क्वायर एक्चुअली क्वेश्चन में तो वन प्लस वाई डैस का होल स्क्वायर वाई डैस की वैल्यू थी माइनस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी हमने इक्वेशन डबल स्टार बोला था इसका स्क्वायर करोगे आप तो x माइनस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस बी वाई होल स्क्वायर ओके y की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ कैलकुलेशन करनी है ये होल स्क्वायर था अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब जैसे वैल्यू पुट की थी ओके okay? उप टोटल पावर थ्री बाई टू है ये ध्यान देना अब ये वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू क्या हो गई दिस वैल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर होल में पावर थी थ्री बाई टू कर दिया वाई माइनस बी होल स्क्वायर था पावर थी थ्री बाई टू सेम पावर्स क्या होते हैं पावर्स का आपस में मल्टीफिकेशन होता है टू से टू कैंसिल हो जाएगा दिस इज सी क्यूब यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया दिस इज वाई क्यूब सो फाइनली वी हैव और डिनोमिनेटर में क्या था माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी क्यूब तो हमारे पास फाइनली हो गया अब यहाँ पे हम देख लेते हैं देखो ये कैंसिल हो गया वाई क्यूब वाई माइनस बी होल क्यूब ये कैंसिल हुआ इस वाले से यहाँ पे हमारे पास सी क्यूब है और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है तो ये कैंसिल होके माइनस सी हो जाएगा सी क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर एक बार कर लेना ध्यान से तो ये कंप्लीट हो जाएगा दिस इज माइनस सी तो माइनस सी यहाँ पे ए और बी के टर्म्स नहीं है तो आप बोल सकते हो विच इज इनडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी यही क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था हो गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन क्वेश्चन देखते हैं नौ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है जब आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कॉस बाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई वेर कॉस ए इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन दैन हमें सो so करना है क्वेश्चन में हमें सो so करना है बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप देख पा रहे हो गए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्रूफ करना है अगर आपने सिंपली यहीं से स्टार्ट कर दिया इसका करना और निकाल के प्रूफ करने की कोशिश की तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है आ जाता है बट काफ़ी लेंथी हो जाता है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं उसके बाद सेवनटीन एट्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ढेर सारे क्वेश्चन हैं मैक्सिमम आपको होमवर्क भी मिलेंगे तो आप करोगे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन स्टार्ट करते हैं ओके okay, तो नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है मिस देनी इसका क्वेश्चन इज गिवन कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई और ये हमें प्रूव करना है ओके okay? अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं एक्स की वैल्यू और कॉस वाले फंक्शन को एक साथ साइड में रखते हैं और एक्स अल्जेबरिक फॉर्म्स को एक साइड में तो एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई अब इसको करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिलेगी ओके नेक्स्ट वन इज द वी हैव टू डिफ्रेंसीट दिस तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डिफ्रेंसीशन करते हैं ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कई बार मैंने पेपर्स में देखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन तो x का डिफ्रेंशिएशन वन cos y अपॉन कॉस ए प्लस वाई दिस इज द डिवीजन फॉर्म और डिवीजन की हेल्प लेते हैं यहाँ पे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिनोमिनेटर इन टू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसीशन न्यूमरेटर का डिफ्रेंसी कॉस वाई का डिफरेंसिएशन माइनस ऑफ साइन वाई और वाई का डिफ्रेंसीेशन वाई डैस चेन रूल ओके आफ्टर दैट माइनस यहाँ पे माइनस आएगा ओके okay? और कॉस वाई और कॉस वाई का डिफ्रेंसीशन माइनस ऑफ साइन ए प्लस वाई और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस का साइन हमने यूज़ कर लिया है ओके okay? तो दिस इज़ प्लस कॉस वाई साइन ए प्लस वाई ए प्लस वाई का भी डिफ्रेंसीशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होते हैं एक्स से डिफरेंट जो भी चेंजेस होते हैं सबका डिफरेंसीशन होगा इवन एक्स का भी होता है इसे कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स और फिर से एक्स का भी हम करते हैं तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन होता है इसलिए वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते यहाँ पे ए प्लस वाई है ए का डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट है वाई का डिफ्रेंशिएशन वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ नोन एज वाई डैस अब यहाँ तक अल्टीमेटली हम आ चुके हैं और हमें वाई डैस ही चाहिए तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ओके okay. वाइडैस हमने कॉमन किया तो हमारे पास क्या हुआ वाई डैस हम कॉमन कॉमन कर लिया है तो पॉजिटिव टर्म्स को पहले लिख लेते तो कॉस वाई साइन ए प्लस वाई वाई डैस कॉमन माइनस ये माइनस यहाँ पे था ना तो माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई साइन और कॉस कॉस और साइन तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी किसी का फार्मूला होगा तो ध्यान से देखना दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस ए माइनस बी में क्या होता है साइन ए होता है फिर कॉस बी हो जाता है ऐसे वाई सी वर्षा साइन बी होता है कॉस ए हो जाता है यही होता है फार्मूला ए के प्लेस पे आप ए प्लस वाई ले लो बी के प्लेस पे वाई ले लो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दैट इज़ द फार्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी इस वाले फार्मूले में आप ए के प्लेस पे ए प्लस वाई रख दो और बी के प्लेस पे वाई रख दो तो सेम फार्मूला अप्लीकेबल है तो दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस वाई माइनस वाई तो वाई से वाई कैंसिल हो गया दिस इज इक्वल टू वाई डैस साइन यहाँ पे वन है यहाँ पे ये यह कैंसिल हो गया दिस इज साइन ए तो वाई डैस की वैल्यू निकालोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ए और यही हमें प्रूफ करना था तो फाइनली आपने प्रूफ कर लिया ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये जो ट्रिपलेट था काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट दिस दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो आगे वाले क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ध्यान देना ये मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया था एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू की है एक्स और वाई की है हमें सेकेंड डेरीवेटिव निकालना है तो पहले तो आप फर्स्ट डेरीवेटिव निकाल लोगे जैसे निकालते हो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी ओ क्या अब ये जब आप सेकेंड फर्स्ट डेरीवेटिव निकाल लोगे तो सेकेंड डेरीवेटिव इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फर्स्ट डेरीवेटिव अगेन तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना ये होमवर्क ही है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हो और ये आने वाले क्वेश्चन हैं सारे वाई डबल डैश इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ द फर्स्ट दैट इज मीन्स डी डी एक्स ऑफ वाई डैस इसी का डेरिवेटिव और ये जो डेरिवेटिव आप निकालोगे वाई डैस ये टी के फॉर्म में आना ही है क्योंकि ये भी टी के फॉर्म में ये भी टी के फॉर्म तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसीट नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आएंगे इसको ऐसे लिखोगे डी डी टी ऑफ वाई डैस इंटू डी टी अपॉन डी एक्स और डी टी अपॉन डी एक्स का सिंपल मतलब हो गया कि आपको क्या लिखना है y डैस का डेरिवेटिव करना है और इसको रिवर्स कर दो वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी सिंपल यही मतलब है एक बार कोई स्टूडेंट पूछ भी रहा था तो वही सिंपली तो मैं लिख रहा हूँ बार बार तो सिंपल है इसमें क्या है डी टी अपन डी एक्स इसको रिवर्स करके लिखना क्योंकि डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर लिया उसको रिवर्स करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो या रिवर्स करके डिवाइड कर दो एक ही तो बात हुई तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है वाई डैस निकालने के बाद उसको टी के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करना है इन टू वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी करना है नहीं आएगा तो पूछ लेना सिंपल क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करनी है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ओके एट्टीन में आ जाओ एट्टी है मॉड फंक्शन मॉड फंक्शन का हमने डिफ्रेंसिएशन तो सीखा नहीं है तो सिंपल है पहले मॉड फंक्शन देख लेते हैं मॉड एक्स क्या होता है मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव एंड प्लस एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव ओके दिस इज मॉड एक्स ये मॉड एक्स फंक्शन होता है अब मॉड एक्स का अगर आप क्यूब करोगे तो इन यहाँ भी क्यूब होगा माइनस एक्स क्यूब और यहाँ भी क्यूब होगा एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन और ये एक्स इज ग्रेटर देन इक्वलिटी आप कहीं भी लगा सकते हो पहले कई बार बोला जा चुका है अब इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब ये दोनों का डिफ्रेंसिएशन तो मॉड एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगा मॉड एक्स क्यूब का दिस इज थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा मॉड एक्स क्यूब का अभी आपको पता लग गया मॉड एक्स क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस ऑफ एक्स क्यूब और प्लस ऑफ एक्स क्यूब के सब्जेक्टेड टू ये पॉजिटिव है या निगेटिव है ओके तो इसका जब डिफ्रेंसीशन करोगे इसी का इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे दिस इज इसका डिफ्रेंसिएशन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्सिस लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये एफ डैस एक्स निकल गया और डबल डेरीवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स और इसका प्लस सिक्स एक्स बस इसी में आंसर देना तो इसके दो आंसर आएंगे बेसिकली ओके okay? तो हमारे पास दो आंसर आएंगे इसके माइनस सिक्स एक्स और प्लस सिक्स एक्स कंडीशन एक्सप्लेन करके आप बता दोगे ओके क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल इंडक्शन जहाँ पर आपको प्रूफ करना है तो एन इज इक्वल टू वन के लिए आप दिखाओगे के के लिए सपोज करोगे ये कर लेना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन मैथमेटिकल इंडक्शन का है नहीं आने से अगर आप पूछोगे तो आई विल एक्सप्लेन अदरवाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है यूजिंग द फैक्ट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड द डिफ्रेंसीशन ऑप्टेन द सम फार्मूला ऑफ कोसाइन साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन दोनों साइड में कर दोगे तो साइन ए प्लस बी चेंज हो जाएगा कॉस ए प्लस बी में तो कॉस ए प्लस बी का हमें फार्मूला मिल जाएगा तो आप ट्वेंटी क्वेश्चन भी कर लोगे ओके ट्वेंटी वन क्वेश्चन डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज़ कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर एक ऐसा फंक्शन हमें बताना है जो कॉन्टीन्यूअस हो बट नॉट डिफ्रेंसेबल एट एग्जैक्टली टू पॉइंट जस्टिफाई आंसर तो ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ओके लास्ट क्वेश्चन इज़ ट्वेंटी वन क्वेश्चन नॉट लास्ट यस वी हैव सो मेनी फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंसेबल एग्जैक्टली वन पॉइंट पे भी हो सकता है टू पे भी हो सकता है थ्री पे भी हो सकता है आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है एक्चुअली एक एग्जाम्पल लेना है और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है कि दिस इज जस्टिफिकेशन सो आप कैसे करोगे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ अभी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ये आप एफ एक्स को कोई भी मॉडल फंक्शन ले लो आपको मालूम है मॉडल फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंसीबल एट ज़ीरो जीरो पे नॉट डिफरेंसीबल होता है ऐसे ही मॉडल फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन दिस इज़ नॉट डिफरेंसीबल एट वन वन पॉइंट पे ये नॉट डिफरेंसिबल होता है हमें टू पॉइंट पर डिफ्रेंसिबिलिटी दिखानी है तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट कर लो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू थ्री पॉइंट पे होता तो इसी में एक पॉइंट और ऐड कर देते अब ये फंक्शन है दिस अब ये मॉडलेस फंक्शन का सम है तो कॉन्टीन्यूअस तो होगा तो देर इज नो नीड टू चेक द कॉन्टीन्यूटी एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू टू पर आप इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करके उसको दिखा दीजिए कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस ये है जस्टिफिकेशन नॉट ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो करने करने के लिए आपको इसको सिंपलीफाई करना होगा और देन आपको तो सिंपली एक्स इक्वल टू वन पे आप इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव एक चेक कर लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा टू पे कैसे चेक करेंगे और ज़्यादा इसके बारे में अगर डिस्कशन करना है तो बता दीजिए ना तो इसके लिए अलग से मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक वीडियो में ठीक है तो ट्वेंटी वन एक बार ट्राई करिएगा एग्जाम्पल यही है इसका क्वेश्चन का बट यहाँ पर आपको क्या करना है यू हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव एंड राइट हैंड डेरीवेटिव एट पॉइंट वन एंड टू सो so, दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा वन और टू पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा सबसे पहले फंक्शन इज नॉट मैंने बोल थी, तो नहीं, नहीं, नहीं होगा तुम तो जब तो तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता लगेगा नेक्स्ट वन इज इज दिस द टू एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू में क्या करना है दिस इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म एंड नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस तो सबसे पहले आपको क्या करना है डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है अब यहाँ पे एल एम एन ए बी सी दीज आर द कॉन्स्टेंट पहले इसको सॉल्व कर लो जैसे सॉल्व करते थे वाई डैस इज इक्वल टू कैसे करते थे एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू सी माइनस एन बी माइनस जी एक्स फर्स्ट रोके लो जी एक्स एल इंटू सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स मीन्स एल इंटू बी इंटू ए माइनस बी अब अब जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका ये तो इसका एक्सपेंशन था ओके डिटर्मिनेट वैल्यू अब जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स ही होगा ये सारे कॉन्स्टेंट हैं तो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो होगा नहीं जीरो भी होता है या इसको आप कॉमन भी कर सकते हो तो अब इसके बाद वापस इस एक्सपेंशन का आप डिटर्मिनेंट जब लिखोगे तो ये वाला फर्स्ट वाली रो का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा बाकी सारे कॉमन वापस मतलब रिवर्स करना है एक बार एक्सपेंशन करना है वैल्यू निकालनी है और वैल्यू से फिर हमें वापस डिटर्मेंट फॉर्म करना है तो ईजिली ये प्रूव कर सकते हो आई होप समझ गए होगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में वाई की वैल्यू गिवेन है ओके अब वाई डैस क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो इसलिए बता दे रहा हूँ यहाँ पे ई e की पावर ए कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स ई एक्स का ई e एक्स ए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ए अपॉन माइनस ऑफ अंडर रूड वन माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज द डेरिवेटिव अब आपको करना क्या है यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है अब यहाँ से आप वाई डबल डैस भी निकाल सकते हो बट यहाँ पे ध्यान देना अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो यहीं पर ये यह देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा वाई डैस इंटू अंडर रूड वन माइनस एक्स स्क्वायर ओके इज इक्वल टू माइनस साइन भी है ध्यान रखना इज इक्वल टू दिस इज वाई ये वाई के ही तो इक्वल है इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए वाई फिर से इसका डिफ्रेंसीशन कर दोगे एक बार मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं फिर से डिफ्रेंशिएशन करोगे फिर से हो जाएगा तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है फिर भी जो भी नहीं आता है वो सारे क्वेश्चन आप बता दो तुरंत बताओगे तो हम मैं उसको अपने अगले वीडियो में किसी भी तरीके से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आपको मैसेज करिए कमेंट करिए जैसा भी हो कर लीजिए दिस इज द समरी आप जरूर पढ़ लीजिए एन की समरी स्टार्ट हुई थी कॉन्टीन्यूटी से उसके बाद हमने पढ़ा चेन रूल देन नेक्स्ट वन इज द लॉगार्थमिक डिफ्रेंसीशन फिर पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन आफ्टर दैट मीन वैल्यू एंड रॉल सरम तो ये था छोटा बड़ा चैप्टर था कंप्लीट हो गया है इसके बाद हम चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे ओके okay.